is so important. मैंने सिर्फ अपनी बुद्धि लगाकर, मुझे जब उत्तर नहीं मिला तो अपनी बुद्धि लगाकर मैंने सोचा कि ये कारण होगा, ठीक है। अब क्या, अब आप बताओ, जितने लोग भी यहाँ पे हैं, आप में से एस्ट्रोलॉजी वासु जी तो अच्छे जानते हैं, वैशाली भी जानते जाकर, हम हमारा जो चार्ट है वो 12 कमरों में बटा हुआ है, हम सब जानते ना, हाँ या ना? अब ये नॉलेज इनको ही मिलेगा, आप जो आएंगे वो देखेंगे। अब चार्ट में हमारा स्वयं का स्थान, हमारे बच्चों का स्थान, हमारे माता सभी रिश्तों का स्थान है, मालूम है सबको, ये नहीं है। अगर हम अपने फूफा का स्थान देखें, मैं मेरे फूफा की बात करूं, तो मेरी चार्ट में मेरा 9th रूम होगा मेरे पिता का, राइट। 9th रूम से 10th 11th रूम मेरे फादर की सिस्टर का होगा या ब्रदर का होगा, लेकिन सिस्टर के हस्बैंड का क्या होगा? अगर मेरे पिता की कोई बड़ी बहन थी या छोटी बहन, नहीं समझता, बड़ों को देखते हैं, बड़ा आशीर्वाद बड़ों से लेते हैं, छोटी तो जरूरत नहीं होती, बड़ी बहन होती है तो उसके पिता का 9th 10th 11th मेरी 11th नंबर मेरी बुआ का हुआ। अब बुआ का 7th रूम कौन सा हुआ? तो 11 12 1 2 3 4 5 मतलब मेरे बच्चे का कमरा हुआ। नहीं पॉसिबल, आप नहीं समझेंगे, लेकिन यह चार्ट के हिसाब से भी आज मैंने चिंतन किया सुबह कि यार फूफा को शादी की हमने करा था, फूफा को क्यों हम वो करते हैं? अभी पता लगा why, because there is a reason that your 5th रूम मेरा बच्चा है, तो उसमें अगर उसकी उपस्थिति रहेगी तो ब्लेसिंग और बढ़ेंगे। ये हो सकता है आपको इमीडिएट क्लोज नहीं हो, तो इसमें हम इसे बासु से बात करते हैं कि मेरा ये विचार है, ज्योतिष बासु जी को अच्छा नॉलेज है, एज ए ज्योतिष व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? बासु सेन हिंदी। हाँ गुरु जी, आपने जो बोला और ठीक ही बोला, 9th से 3rd, 3rd से जो किया, ठीक है, 5th हाउस से कनेक्शन, मतलब एक तो हाउस, एक तो जो हाउस है एस्ट्रोलॉजी में वो बहुत सारा रिलेशनशिप को एक संग ले आता है। और अभी, 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 अभी अपन इस पान में नहीं आए, अपन अपने इस बात करें कि जो मैंने तर्क दिया है कि फूफा भी इंपॉर्टेंट, इस पे बात अभी आगे अगली बात नहीं करें, एकदम एकदम सही है, सही है। अच्छा ये बात बताओ, ये बात बताओ, आप भी एस्ट्रोलॉजर हो अपने परिवार के रूप में, ये चिंतन आपने पहले किया क्या कभी? मैं मतलब अभी जो बोले मैंने चिंता किया, लेकिन मेरा नोट्स में लिखा हुआ रहता है कितना सारा रिलेशनशिप, बात अलग है, लेकिन अगर मैं आपसे रिलेशन के पहले फूफा जी का इम्पोर्टेंस क्यों होता है शादी में ये पूछता तो आप क्या बताते? ये बात को, मेरी बात को भूल जाओ, या मेरी बहन ने जो बोला ये जवाब देते या कुछ और जवाब देता? एस्ट्रोलॉजी का ही जवाब देते, उनको बोला, बोले गुरु जी बिल्कुल सही हो आप, तो बोले एस्ट्रोलॉजी का बिल्कुल ठीक है ये। तो कहीं कहीं ज्ञान हम जो बाहर नहीं मालूम है, और पंडित तक जो अपने ज्योतिष हो पंडित जो लेकर लाके आ रहे लहर, हम अपना ज्ञान में निकाल सकते हैं। मतलब गुरुजी उसके फूफा का लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है आपका रोमांटिक रिलेशनशिप वो किस हालत में है। ये बेटा अपन केवल उसकी शादी, वो उस पर डिपेंड करेगा, अपन तो ब्लेसिंग की बात करेंगे क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट हुआ अंदर गुस्सा। तो मैं बोल रहा हूँ कि अब दूसरी चीज, अब मेरे बेटे की बहनोई, मतलब क्या मेरे बेटे की बहन का हस्बैंड, अब मेरे बेटे का कमरा हुआ 5वां, है ना, तो 5वें से मेरा बेटा कमरे में 5वें से आप छठे 5 6 7, है ना, तो भी कहीं ना कहीं मेरे बेटे के हिसाब से भी आप चेक करोगे तो मेरे बेटे के हॉरोस्कोप में उसकी छोटी सिस्टर का कमरा कौन सा होता है या बड़ी सिस्टर का, उसका 11वां कमरा होगा। बड़ी सिस्टर हुई तो मेरे बड़े का बोल रहा हूँ, वो 11वां कमरा हुआ, तो अल्टीमेटली घूम के वापस वही की वही बात आ जाएगी। तो हाउ जो ज्ञानी लोग थे, कैसा एस्ट्रोलॉजी का चार्ट है, मतलब मेरी बुआ के फूफा जी का वही कमरा और मेरे बेटे की बहन की वो बहन को वो कमरा, इसलिए दो रिश्ते बहुत जरूरी रहते हैं शादी में। जहां तक मैं अपनी बात करूं, एक तो आपके बेटे
एक तो आपकी बेटी का जवाई है ना, अब आपके दो सिस्टर हैं पूर की जवाई और आपके फूफा जी, ये दोनों में से एक रिलेशन जरूर लेना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। खूब सारे रिश्ते होते हैं, हम तो इस पत्रिका से न जाने कितने निकाल सकते रिश्ते, लेकिन हम अभी उस पर नहीं जाएंगे, वी नॉट गो ऑन दैट, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द वन रिलेशन, बिकॉज हम रिलेशन लेने जाएंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। हम प्रेम लर्निंग में एबीसीडी के लेवल पे, तो भाई फूफा जी का सामान तो आप भी सुनते हो, फूफा जी नाराज हो गए उनको लाना पड़ेगा, जैसे करके लेके आओ, ऐसा सुना है ना आपने भी, यू हर्ड इट बिफोर, मे बी पर दोस पीपल आर फ्रॉम साउथ दे वोंट बी नॉट हर्ट, बट हिंदुस्तान में तो हमारा बस रहता है, फूफा मींस व्हाट यू हैव टू ब्रिंग हिम, वो नाराज भी हो जाता है तो वो घोड़ी का लगाम पकड़ के रखता है। तो जैसा रूम वाइज हुआ तो इसलिए इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ये होता है। वही बात एस्ट्रोलॉजिकल बात हुई शादी में, अगर हम हमारे जो जिसकी शादी होने वाली है उसकी बड़े बहन का जो हस्बैंड है वो उसके लिए सर्वोपरि होता है, क्लियर हुआ? तो यह जो ज्ञान है ना, आज हम, मैं दावा करता हूं आप में से, आप अपने 10 पंडितों से बात कर लो कि भैया फूफा जी का महत्व क्या होता है, अरे शास्त्रों ने बताया भगवान के पास, अरे भाई वो तब ठीक है, क्यों होता है? अगर वह वक्त यही जवाब दे पाए तो आप मुझे बताए, वह व्यक्ति यही जवाब दे रहे हैं, तो क्या कुछ ज्ञान हमें निकलना, लेकिन अभी वो ज्ञान सही भी है, तो हम हमारी बुद्धि से भी, अब मैंने डिवाइन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सोचा क्या है, वर्किंग ऑन द रिलेशंस, अगर मैं किसी परिवार के दो रिलेशंस में प्रॉपर बॉन्डिंग करवा देता हूं, इट इज द बिगेस्ट वर्शिप, गॉट इट, समझ में आया? अब हमारे यहां जाता है फूफा जी सब नाराज हैं, वो तो गरीब लोग हैं, वो कैसे करें, लेकिन वक्त आने पर हमको उनको मना के भी जाना पड़ेगा। और अगर आप एक रिश्ता संभालते हो, एक रिश्ता रिपेयर करते हो, तो मानो आप एक आपका एक कमरा रिपेयर करते हो, बस। तो यही मेरा फोकस आपके हेल्थ एलिमेंट पे रहता है और आपके रिलेशन एलिमेंट पे रहता है, सिंपल, ओके। बाकी तो ये मेरे बच्चे की शादी क्यों नहीं, मैं इस पर ध्यान नहीं देता, मैं हूं, मेरे सभी साथी आरोग्य रहना चाहिए, शरीर से फिट होना चाहिए, वो प्राणायाम योगा हम ध्यान करते हैं, वो रिश्तों के लिए डिवाइन रिश्तों की प्रोसेस है, हर रिश्ता आएगा, जो जो रिश्ता आपसे कनेक्टेड आएगा तो आपको वह घर वो क्लीन होता जाएगा। अगर आपका फिफ्थ रूम एक्टिव होना है तो आपका बेटा आ गया, अगर फूफा जी आपके घर में आ गए तो समझो आपका पांचवा कमरा एक्टिव हो गया, आपके ससुराल का कोई आदमी आ गया तो समझो आप एट्थ रूम आपका एक्टिव हो गया। ये हमने एक बार बता रखा है पहले भी, और अभी हम हुआ तो अभी जब भी नया कोर्स चालू करने वाला है, बेच मिला है, तो डिवाइन स्टोरिंग का मैं कोई भी डेट लेके आना हूँ और अनाउंस करूँ, उसमें भी आप लोग ज्वाइन करके ये और समझ सकते हैं। टोटल एस्ट्रोलॉजी इज टोटल मास्टर, बाकी हम तो प्रिलिमिनरी नॉलेज बने खुद के ज्योतिष के क्रम में काम कर रहे हैं। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने अपने पंडित से जरूर पूछना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों, और मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं तो चाहूंगा कि वो नहीं जवाब, क्योंकि पंडित को अपनी पंडिताई का ज्ञान रहता है, उसको अपने ज्योतिष का नहीं होता, एक ज्योतिष से पूछेगा ज्योतिष हो सकता है उस लेवल पे जाके बोले। तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज को हम क्यों करें, इसका प्रश्न जिंदा रखना, और इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए मैं हूँ। गुरु जी ये फूफा जी को क्यों बुला रहे, जो भी आप बोलोगे हो सकता है मैं उस वक्त दे दूं आपको, नहीं तो एक दिन बाद जवाब दूंगा, जवाब जरूर दूंगा मैं। हमको कोई काम ऐसा नहीं करना कि हम किसी ने बोला तो करना है, हमें पूरा समझ करना है। गुड, यस, है ना? कोई भी काम, किसने बोला ये बोला ठीक है आओ, क्यों करना ये जरूर पूछो, वो पंडित को मालूम होना चाहिए। बंद नहीं हो रहा फोन, एयरपोर्ट मोड पे करा, ओके। तो हम अभी ये दो दिन हो जाए, मंडे से हमारा चार्ट बनाने के, अभी तक उसमें था योगा डे में, एंड टुडे माय गॉड वी गॉट ए वेरी गुड गुड न्यूज कवरेज, है ना? कौन से पेपर में आया बताओ भारती? प्रणाम गुरु जी, न्यूज पेपर में आया दैनिक भास्कर में इंदौर के, माय गॉड इट्स अ लीडिंग न्यूज पेपर एंड वेरी बिग कवर, उसमें पूरा कृष्णा गुरु जी से लेके कहां कहां भी जो जो किया वो पूरा उसमें है। उसमें क्या था, मैंने कुछ नाम भी दिए थे साथ में, जैसे मेरे साथ इंदौर से भारती रही थी क्लब में, ये तो इनका रोटरी का भी नाम दिया था, रोटरी में इनने इंट्रोडक्शन दिया,
तो प्रेस वाले तो अपना काम करते हैं ना, रोटरी को करेंगे कि वो करती है ना, हॉस्पिटल का नाम लिखा उन्होंने क्योंकि वो उनके बिजनेस के हिसाब से, मैं तो भाव से लिख देता हूँ वर्षा से लेके सब, क्या करोगे। लेकिन अपना जो इंटेंशन था, क्योंकि मैं आपका दर्पण हूं, इतने लोग हैं विंडो में, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मेरी वो न्यूज देख के मेरे को किसी एक बंदे ने बोला और यार बहुत अच्छी न्यूज आ रही है, मैं देखा मैंने लोगों को भी नाम आए, ये बोल रहे हो ना, मैं देट इज योर हैप्पीनेस, वो आपकी बात अलग है, वो मेरी भी खुशी तो कुछ होगी ना, लेकिन वो फिर मैं समझता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। अभी जैसे सी चल के भी नाम है, एनीवे आज की तारीख में वी गॉट ए ग्रैंड सक्सेस, हमारा योगा डे का बराबर रहा और अब आने वाले टाइम में लोग रहेंगे और अगला योग का योगा डे पे क्या करना करेंगे, अभी तो हम अगला फेस्टिवल आ रहा है हमारा गणेश जी का, जब की जब दिमाग लगाएंगे। और अभी ज्योतिष का ऊपर में थोड़ी बात करके आज हम लंबा गहरा ध्यान करेंगे रिलैक्सिंग का, इसमें पूरा आराम है, कुछ नहीं करूँगा आपसे मैं, पूरा ध्यान करेंगे, है ना, कल भी कुछ करके। ये सैटरडे में भी कौन आने वाला है, शिवानी आने वाली ना, यस शिवानी, या दिस टाइम एंड शिवानी भी आएगी और किसको बोलना, और रागिनी, हाँ बोलो शिवानी। गुरुजी मैं जी, गुरुजी मैं और दीनू दोनों मिलकर करेंगे। वाह वेरी गुड रागिनी, वुड यू लाइक टू परफॉर्म ऑन द सैटरडे एनीथिंग अदर चेंटिंग और एनी भजन एंड ऑल? प्रणाम गुरुजी, मैं हूँ नहीं, आई एम नॉट इन टाउन। ओह माय गॉड, ओके फिर ठीक, थैंक यू ब्लेसिंग, कोई बात नहीं, नए बच्चों पहले करना, नए को देख के पुराना को जोश आ ही जाएगा। थैंक यू, करते हो, थैंक यू। सो विल एडेड समवन एल्स देन, प्रतिभा भी आ गई है, अगर कोई नहीं आएगा तो हमारे ऑलराउंडर जया तो ही आएगा। गुरुजी मैं 2 मिनट्स की एक प्रेयर बोलूंगी, वो मेरी दादी ने मुझे सिखाई थी और आज तक मैं अपने बच्चों को भी सिखा रही हूं। तो हमें अभी तक उससे वंचित क्यों रखा आपने, उस लाभ से? मतलब 2 मिनट से भी कम है, 1 मिनट की है। नहीं, तो आप ये मिनट का निर्धारण आप मत करो ना, 2 मिनट से ज्यादा 5 मिनट आप जो चाहे वो बोलो, ये अपना घर परिवार है और आपकी बात तो हमें ज्यादा सुनना पड़ेगा क्योंकि अगस्त में हम आपके उधर आने का प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल गुरु जी, तो ज्यादा खुश रहना पड़ेगा आपको। नहीं बेटा अभी अगर प्रोटोकॉल अलाउ, जब इंदौर से निकल रहे हैं गुरु जी, आज डेट से ब्लॉक कर रही हूँ, आज होटल में रूम डेट्स ब्लॉक कर रही हूं मैं सारीयां 9-10 अगस्त के लिए। हाउ मेनी रूम्स यू हैव? 24 इज ओके, मोर देन इनफ, तो मे बी पॉसिबल फ्यू पार्टिसिपेंट तो ऑलवेज कम इन द ग्लोबल हीलिंग डे, तो हमेशा आते हैं, तो अभी वो भी आएंगे तो अपन देख के बात कर लेते हैं कैसा क्या प्लान करेंगे, है ना? ठीक है चलेंगे ना। देखो दो ये तो तैयार है, भारती तैयार है, वर्षा तैयार है, जया का टिकट हो जाएगा, आ जाएगी जया, तो क्योंकि जया के बगैर तो कुछ होगा नहीं, है ना? बिल्कुल जया तो आ जाएगी। अरे वो तो शीश सो बोल नहीं, तुम्हें तो सीटर ही आना पड़ेगा मेरे के मां। यू आर कमिंग गुरुजी, प्लीज नोट इट, व्हेन यू आर लीविंग इंदौर योर फर्स्ट स्टॉप विल बी सिएटल, अंडरलाइन इट। नेक्स्ट ईयर जया जी, अभी वहां की फ्लाइट स्टार्ट नहीं हुई, नहीं तो हम सारे आ जाते नहीं, नेक्स्ट ईयर करेंगे, सब मैजिक हो जाएगा तब तक। अरे नहीं बेटा, वो लंबा अमेरिका आना मतलब बहुत बड़ा प्लानिंग करना पड़ता है, लोगों का सपना होता है बेटा आने का, तो अपन नेक्स्ट ईयर प्लान करेंगे उसको, अभी तो जो कोविड का टाइम चल रहा है तो अभी तो अपन ये देखते हैं धर्मशाला ये प्लान क्या पॉसिबल हो पाएगा कि, है ना, फर्स्ट आई विल टेक द कंसेंट फ्रॉम द ऑल। अच्छा आप में से कितने लोगों का कंसेंट है? वर्षा यस, यस भारती यस, 2 अब बासु यस, 3 वाह जया यस, वाह शिवानी यस ऑलरेडी, माय गॉड रूपा यस, आर यू कमिंग विद अस इन द अगस्त इन धर्मशाला? यस वेरी गुड अनिल यस ना, अनिल का मना हो ही नहीं सकता, अनिल ऑलवेज घूमने को हमेशा इसको ज्यादा है। अंजू यस, यस गुरुजी यस, यू आर ए होस्ट दैट टाइम। रागिनी तो भी बहुत दूर है, किसे आएगी? एंड तिथि मीता ऑलरेडी इनकम, मीता ज्वाइन करेगी ना बेटा हमारे साथ? मीता धर्मशाला जा रहे हैं अगस्त में गुरुजी, हां है ना? यस गुरुजी, आई विल जॉइन यू।
वेरी गुड। तो क्या होता है धर्मशाला जैसा, मैं सोचता है कि धर्मशाला में कहीं आपको कह रहा हूँ, धर्मशाला उस बस जगह का नाम है। नीता बोले पूनम भी आएगी, पूनम भी आएगी, आएगी पूनम भी आएगी, डॉली भी आएगी, नीरू भी आएगी, सरोजी भी आएगी, सबको बुलाएंगे। बट दो सारे नेहा भी आएगी, विश तो ऑलरेडी है ही है। विश टिल व्हेन यू आर हियर, टिल एंड ऑफ जुलाई गुरुजी। ओह माय गॉड, व्हाई यू नॉट एक्सटेंड फॉर 10-15 डेज मोर? ट्राई करूंगा गुरुजी। अच्छा यू आए, उसको ही बुला ले क्या नाम उसका। अब देखते हैं अभी क्या होता है, एक महीना बचा है ना, वी कैन प्लान इट। धर्मशाला का प्लान कर सकते हैं। And you must, Anju, you must having a small hall there where 30-40% can sit together. हाँ हाँ गुरुजी, we got a hall there. Very good, very good, very good, very good. चलो plan कर लेते हैं अपन। अब मैं तारीख डेट डिसाइड करके बात करता हूँ 2-3 जनों को hold करके कि इसको planning कैसे करना है ना। और उसमें अंजू जी आपसे हेल्प लगेगी कि आप भी सराउंडिंग कैसे, हम कहाँ जा सकते हैं। अच्छा वो लद्दाख वो कहाँ पर दूर है क्या लद्दाख का, वो बौद्धिज्म का? लद्दाख तो बहुत दूर है। धर्मशाला अलॉन्ग विद वैष्णोदेवी क्वालिटी दर्शन, वैष्णोदेवी दर्शन। और अंजू दर्शन दर्शन करके कितने देर में आ सकते हैं आप? क्या कहां से क्या बोल क्या कह रहे हैं गुरुजी आपके धर्मशाला से हम दर्शन करें कि दर्शन करके जाए धर्मशाला, क्या करें? ओके आई विल टॉक, मैं आपसे बात करूंगा फिर इंडिविजुअल। हां ठीक है, ठीक है, अभी ध्यान करेंगे है ना। तो देखो एवरीबॉडी क्लियर नाउ कि व्हाई द फूफाजी रिलेशन इज इंपॉर्टेंट इन द मैरिज। तो मैं आपको समय समय पर एक सामान्य ज्ञान के रूप में बताऊंगा, ज्यादा तकनीक ज्ञान में नहीं जाऊंगा। क्या होगा एक सामान्य ज्ञान में कि रिश्ते हमारी शादी में क्यों जरूरी है। सामान्यतः आपको देखना कोई बड़े बड़े घरों में भी रिश्तों में आपस में विवाद होता रहता है। अगर आपने बैठकर कोई अज्ञात भय डालकर भी या बच्चों की शादी में इनको नहीं बुलाया तो गलत होगा, हमारा गुरु जी कराओ, तो कम से कम वो दो परिवारों में पेचअप भी हो जाए ना। इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ बिग यज्ञ, बट है ना। चलो अभी एक हम आज तो बात किया थोड़ा, अब हम एक थोड़ा ध्यान करेंगे है ना। वह ध्यान हमारा कहीं ना कहीं डिवाइन एस्ट्रो प्रोसेस वाला है। एवरीबॉडी क्लियर इट, वी आर गोइंग टू कनेक्ट। एंड वो आज मैं आपको वो प्रोसेस करा रहा हूं। आपको एक चीज हम बोलते हैं सैंडविच है ना, आप जो लोग नए होंगे ना वो डिटेल हम बाद में बताएंगे। सैंडविच प्रोसेस ऐसा रहता है कि आपको सिर्फ ना नाभि पर ध्यान रखना है, नाभि पर और हार्ट चक्र पर और थ्रोट पे, ये तीन जगह ध्यान रखना है। नाभि पर ध्यान रखा, बोलो सैंडविच आप नाभि से बना है, तो नाभि से आपने क्या करा 11 बार श्वास भरी, एब्डोमिनल मसल से श्वास ली और छोड़ी। सेकंड टाइम वही 11 बार एब्डोमिनल श्वास ली लेकिन एब्डोमिनल मसल मुंह से छोड़ी। तो 11 बार श्वास नोस्ट्रल टू नोस्ट्रल्स, 11 बार नोस्ट्रल टू माउथ एंड अगेन 11 बार नोस्ट्रल्स टू नोस्ट्रल्स। तो ये हो गया एक सैंडविच। ओके तो जैसे मैं आपको कोई कराऊंगा और उसके बाद बोलूंगा सैंडविच बना नाभि पर रख के, तो आप समझ जाइए सैंडविच मतलब ये हुआ कि मुझे आंखें बंद करके बैठे रहना है और नाभि पर ध्यान रख के पेट की मांसपेशियों को रुक करके उसमें कहीं मुझे होल्ड नहीं करना श्वास को। ये 11 श्वास हो जाए तो फिर 11 बार नाक से लेकर ये 11 हो जाए। फिर अब मैं कहूंगा आपको कि अपने हार्ट चक्र से सैंडविच बनाए, तो आप हार्ट चक्र पर ध्यान ले जाएंगे, चेस्ट मसल को यूज करेंगे और ये 11 हो जाएगी। तो वे ये 11 हुई तो फिर अब मैं कहूंगा आप थ्रोट पर रख के करें, तो गले पर रखा लिया ध्यान, गले पर रख कर ये 11 हो गई और गले पर रखकर 11 बार मुंह से छोड़ी। ये तीन है। अब मैं वाइब्रेशन में अगर बोलता हूं कि चौथा सैंडविच और बनाओ थर्ड आइस पे रख के, तो आप तब बनाना। आप समझ गए ना सैंडविच कंसेप्ट को? एवरीबॉडी क्लियर?
मेरे ख्याल से 90% लोग तो क्लियर होंगे, 10-20% होंगे जो नए होंगे पहली बार में। आज मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, आप ये करें, और ये दावा करता हूं अगर आपने ध्यान दिया मेरी बातों पे और मन स्थिर रखा तो आपके 12 के 12 कमरे हील होंगे। वो कैसे हम आप पढ़ेंगे। यू गॉट इट सैंडविच एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। अगर किस नहीं तो मुझसे पूछ ले, सबको हो गया ना। रागिनी तुमको क्लियर हो गया, तीतिर तुझको क्लियर हुआ, हो गया बेटा, हो गया ना। देखो आप जो चाहते हो वैसा जीवन होगा, क्लियर है, सबको क्लियर है ना। तो अब एक काम करेंगे, हम दोनों हाथों को वापस प्रेस करेंगे एक बार ऐसे ही करते, दोनों कलाइयों को घुमाएंगे, ये दोनों घुमाते घुमाते ठंड का जैसा एहसास किसको हो रहा है ये मुझे बताएगा। हाथों चक्कर क्या उल्टा घुमा वापस। When you are feeling the cold, when you are moving your arms, shoulder. अब एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे अपनी बॉडी को चार्ज करने के लिए। सामान्य हम बचपन में स्कूटर चलाते थे, स्कूटर बच्चों का अपने अपन चलाते थे ना बचपन में, तो आज वही बच्चा बन के अपन बगैर देखे करे, कौन देख रहा है क्या देख रहा है, अगर सादा सारा मारी तो वीडियो बन कर दो, 12-11 बार कर दो, स्कूटर चलाओ। आपको समझ में नहीं आएगा आपने क्या किया। चार प्राणायाम आसन इकट्ठे होते हैं, कैसे करना देखो मैं आपको देता हूं। आप इधर हो गए, मैं नई नई चीज सिखाऊंगा रोज आपको, देखो है ना। आप कैसे बैठे, जस्ट सी योर फेस चेस्ट एब्डोमेन। गॉट इट एवरीबॉडी, क्लियर। अगर शर्म आ रही है यार तो देखेंगे लोग, कोई को आपको देखने की फुर्सत नहीं है। वो ये सोच रहा है कि मेरे को देख के लोग क्या सोच रहे हैं, ये बस सोच रहे, ये शिवानी सोचेंगे मेरे को देख क्या सोचेंगे, और मैं बोल रहा हूँ शिवानी मुझको देख के क्या सोचेगी। तो ये चक्कर में नहीं पड़ना, बच्चा बन जा रहा छोटा सा जो एकदम वो था लकड़ी की साइकिल, 11 बार कम से कम साइकिल चला, ओके स्कूटर। घर वाले बंद बोले तो बोले क्या हो गया पापा मम्मी, चिंता नहीं करना बिल्कुल भी, अपना मन से लगा के देखना, इसका रिजल्ट देखना, ओके। चलो मैं आपको फुल स्क्रीन कर देता हूं तो आप लोग दिखोगे नहीं अपने अपने पास। दोनों हाथ ऐसे मुंह करो, अभी किक मारनी चाहिए भी, नाभि पे ध्यान रखो, पेट की मसल यू करो, अपने आपोगे लंबी गहरी श्वास भरो, बोले ज्यादा देर तक सांस बाहर जाए आवाज नहीं करो, आवाज किसकी, रिलैक्स रिलैक्स, विश्राम करे। Relax the body. जो भी हो रहा है उस पर ध्यान दें। फेस मसल्स, चेस्ट, आराम की श्वास लेते रहे। Watch your heartbeat and breath. Watch your palms. अपनी हथेलियों पर अपना ध्यान। लंबी गहरी श्वास भरते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी करेंगे, शरीर को ऊपर ले जाएंगे,
release the breath. Keeping attention on the navel area, if you are having your mantra Om, then chant the mantra. If you have no one in the mantra, then chant Om only. नाभि पर ध्यान रखते हुए लंबी गहरी श्वास भरेंगे ओम चेंटिंग के लिए मंत्र चेंटिंग के लिए अपने शरीर के मस्तक पर अपना ध्यान दें योर फर्स्ट शू सेंटर पॉइंट ऑफ योर फोरहेड बिकम अवेयर ऑफ योर आईज ईयर्स throat area the third room your shoulders become aware left shoulder left elbow left hand fingers सर सिर से ध्यान लेकर जाए मन रूपी ध्यान को अपने बाएं कंधे बाएं कोहनी बाएं पंजे में एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे और खाली करें बिकम अवेयर ऑफ योर राइट शोल्डर राइट एल्बो राइट हैंड फिंगर्स Become aware of your chest area, your fourth room. Become aware of the chest area. Think about your mother. Apni maa ka chehra bhi le aaye aankhon mein. Pura dhyan chest par. Apni maa ka dhyan. And watch your own house, जहां पर आप रहते हैं पूरे घर का ध्यान लेना उस पर हाउ लुक लाइक योर हाउस फ्रॉम आउटर साइड बाहर से घर कैसा दिखता है घर के बाहर अपने घर को निहारे बिकम अवेयर ऑफ योर फिफ्थ रूम योर हार्ट Think about your father's face. Again, long, lambi gehri shwas bhare. Become aware of your upper stomach part. Nabhi ke upar ka hissa, intestine, liver par apna dhyan le. Nabhi ke nichle wale bhag par, reproductive organs, janindriya, yahan par dhyan le jaye. Become aware of the place your body is touching to the earth. जहां पर शरीर आपका स्पर्श कर रहा है धरती पर कुर्सी पर वहां पर ध्यान ले जाए बिकम अवेयर ऑफ योर लेफ्ट थाई बाई जंघा पर अपना ध्यान ले जाए अगेन थिंक ऑफ योर फादर फेस
लेफ्ट लेग में, लेफ्ट फीट राइट थाई राइट नी स्लोली स्लोली राइट पूरी यात्रा हो एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे और खाली करेंगे. नाउ यू कम यू बाय योर ओन, पुनः अपने पैरों से सर तक आएंगे और जिस भाग में कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, बीमारी है, उस पर अपना ध्यान लेकर रखें. स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम लेफ्ट लेग फीट left knee, left thigh, slowly, slowly come upper side. When you reach on the top of the head, make one sandwich from navel area. Nabhi se apna sandwich banayenge. Pet ki maas peshi lega 11 baar shwas, nostrils to nostrils, 11 time nostril to mouth, and 11 time nostril to nostrils. Kul 33 shwas bharna hai. 11 ke 3 slot, beech wale slot mein shwas naak se lekar mukh se chhodna hai. स्टार्ट करें. Feel the sensation in the body. Now become aware of navel area again. Chant your mantra second time. In the mantra chanting, you have to vibrate from inner side. Just shwas ko bahar jane denge, baki vibration ko hum andar hi mehsoos karenge. Mukh ko band kar lenge. Ab bhi gehri shwas bhare dusre mantra ke liye.
थिंक ऑफ योर स्पाउस, अपने पत्नी या पति को याद करें. दोज आर अनमेरिड, दे थिंक अबाउट देयर सिबलिंग्स. इनकी शादी नहीं है, वो अपने भाइयों के बहनों के बारे में ध्यान करें. Those got married, they become aware of your spouse. Aware spouse means just become as a viewer. Ek sakshi bhav se apne spouse ka chehra yaad karein. Whatever you want, unko sharirik vyadhi ho, kuch aisa lag raha hai aapko asahaj hai, just pray, heal and bless. Now become aware of your children. अपने बच्चों पर अपना ध्यान दे जाए. जो भी समस्या बच्चों को हो उस पर ध्यान दे जाए. For your children, you are just a caretaker. आप एक caretaker के रूप में. साक्षी भाव से आशीर्वाद दे बच्चों को. आरोग्यता, समृद्धि, उच्च शिक्षा का प्रे, हील एंड ब्लेस करें. चेहरा उनका आंखों में, मन की आंखों में. एंड बिकम अवेयर ऑफ योर सेंटर पॉइंट ऑफ चेस्ट, हार्ट चक्र पर ध्यान ले जाएंगे और उनका बच्चों का चेहरा ध्यान रखते हुए सैंडविच बनाएंगे. चेस्ट मसल का यूज करते हुए 11 बार मोस्टर टू मोस्टर्स, 11 बार मोस्टर टू माउथ, अगेन 11 टाइम मोस्टर टू मोस्टर्स. डू इट. सैंडविच पूरा हो जाए, विश्राम करें. बिकम अवेयर ऑफ योर हार्ट चक्र अगेन एंड इनहेल वन मोर चेंटिंग ऑफ मंत्र. एक बार और मंत्र चेंट करेंगे. सेंटर पॉइंट ऑफ चेस्ट पर ध्यान. Those are unmarried, they think about their father's family. Those are married, all wives think about their in-laws' family. And
हस्बैंड्स थिंक अबाउट देयर पेरेंटल फैमिली, पति लोग अपने पितृ परिवार पर ध्यान ले जाए, जो भी रिश्ते आप याद कर सकते हैं। महिलाएं अपने ससुराल पक्ष पर, जिनकी शादी नहीं हुई है वह अपने पिता के परिवार पर। Again, keep an attention when your journey is over. Yatra poorn ho, unat center point of Jeshpur. Keep relation recall to me. Aapko. Center point of Jeshpur. Dhyan rakhkar ek sandwich aur banayenge. 11 time nostrils, nostrils, 11 time nostril to mouth, 11 time nostrils, nostrils. Start. Again, chant one more mantra from your heart chakra. Ek aur mantra chant karenge. Those are not married, they think about their mother's family. Those are
husbands think about their in-laws family and wife thinks about their parental family. पत्नियां अपने पितृ परिवार पर ध्यान ले जाएंगे, पति अपने ससुराल पक्ष पर ध्यान ले जाएंगे. Don't involve yourself just as a viewer, you just travel your relation. Just recall the face, recall the name, just whatever vibration comes, accept, go on another relation. Become aware of your throat area. And if someone relations over, think about your friend, your professional mentor, your spiritual mentor who help you. उन सभी लोगों को याद करें रिश्ते खत्म होने के बाद, जिन लोगों से आपका रिश्ता खून का नहीं, दोस्ती का है, गुरु का है, शिक्षक का है. Recall your past. Think about your old teachers, friends. Those help you a lot. Keeping attention on the throat area. Make one sandwich. एक सैंडविच बनाए 11 बार नास नोस्ट्रल टू नोस्ट्रल्स, 11 टाइम नोस्ट्रल टू माउथ, 11 नोस्ट्रल टू नोस्ट्रल्स. Use your face muscle, keeping attention on throat area. जो हो रहा है वो विश्राम करें.
why I'm here. मैं यहां क्यों हूं? इस नश्वर शरीर में जो शने 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 विनाश की ओर बढ़ रहा है. Why I am here in this five-limbed body? How much you are attached with your body, with your relations? Everybody is temporary, either your body, your relations. लंबी गहरी श्वास भरेंगे. ओम रोम में ओम ओम है श्वास श्वास में बोल शिवा बोल शिवा बोल. रोम रोम में ओम ओम है श्वास श्वास में बोल शिवा बोल हर बोल. शिवा 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 बोल शिवा बोल शिवा बोल. ओम ओम में ओम ओम है श्वास श्वास में बोल Shiva bol, Shiva bol. मान अपमान कहाँ होता है, ये तो है शब्दों की पकड़. ओम मैं मिलकर ओम मैं रहकर ओम मैं रमना है शब्दों के जंगल में. तू क्यों फंसा है रे पर ब्रह्म के रस से तेरा नस नस समा है रे. त्रिगुणाय विद्महे जगतदारिण धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्. Become aware of your name and body. जब मन चाहे अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं. Whenever you want, you can open your eyes. Take your own time along with a smile. You can open the glass, पानी का ग्लास भरें. और बार राइट हैंड. एंटरिंग टू वाटर.
टुडे डिफरेंट है ना, हम अपने साथ रहकर भी अपने साथ नहीं थे, हम अपने रिश्तों के साथ थे। और हर रिलेशन जो जो आपको याद आया, खूब सारे आ सकते थे, मैं आपको 15-15 मिनट तो भी आ सकते थे, आप कुछ रिश्ते भूल गया होंगे याद करना था प्राइमरी पे, क्योंकि आज समय कम था तो हमने, यह आपकी रियल वर्शिप है, क्योंकि ये चीज आपका शरीर नंबर वन और आपका जो रिलेशन है इसी से आपको तकलीफ मिलेगी, पीड़ा। बाकी ये तो छोटे मोटे अभाव, पैसों का आना जाना, आर्थिक लाभ हानि, इस सेपरेट थिंग, वो भी कमरों से कनेक्टेड है। लेकिन अगर हम इन दोनों चीजों को साथ लेंगे, अगर बाय चांस एक कुर्सी का पहिया, एक कुर्सी है उसके चार पैर है, ठीक है, एक पैर आप खुद हो गए, एक आपका शरीर हो गया, एक आपके रिलेशन हो गए और एक आपका अभाव हो गया, आप कोई भी एक पैर को कंट्रोल करके खींचोगे तो बाकी तीनों पैर आपके साथ में आएंगे। इट्स अप टू यू हाउ मच यू आर केपेबल टू रिपेयर वन। एक ही पैर को पकड़ा आपने, इसे अलग अलग चारों पैर को हमको हील करना, तीन को कर दिया तो चौथा पैर तो आगे चलकर आपके पास आएगा, क्योंकि उस चौथे पैर जिसको हम अभाव बोलते हैं वह कहीं ना कहीं इनकी तकलीफ के कारण ही है। ओके, तो रिमेंबर इन द लाइफ मेरी पॉवरशिप इज ऑन वर्क प्लेस। हम प्रार्थना पूजा इसलिए करते हैं कि हमारे जो बुरा समय है अच्छी तरीके से कट जाए। नेवर एक्सपेक्ट दैट यूर टाइम विल, माय गॉड मैं दे दूंगा तो ये पूजा करूंगा, ये पाठ करूंगा, मंत्र करूंगा, तुम्हारे काम हो जाएंगे, नहीं सॉरी। जो भी आपकी परीक्षा है, अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा सीता माने दी अग्नि पर चलकर, हम इतने तकलीफ में तो नहीं है कि अग्नि पर चलना पड़े, सिंपल। जो भी परेशानी है उसको एंजॉय करो साथ में लेकर। अरे क्या बात है, अरे मेरी नौकरी छूट गई, कोई बात नहीं, और ऑयल ऑफ माई जॉब, दो तरीके हो सकता है। अरे मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही, मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही है, जरूर कोई कारण होगा। अरे आपसे ज्यादा भला तो ऊपर वाला सोच रहा है आपका। मैं अप्रिशिएट करूंगा, दुबई में कल्चर है, गाड़ी टकरा जाएगी तो एक दूसरे पर झगड़ा नहीं करेंगे, वो दोनों गाड़ी खोल के गले मिलेंगे, ओ माय गॉड वी आर सेफ। जो भी हो जाएगा उसको एक्सेप्टेंस आपको ऐसे ही आएगा। मैं एक आखिरी बोलता, घर में जैसे अपन जाते हैं, पत्नी भिंडी की सब्जी बना देती है, कुछ मिला नहीं उसको, आपको भिंडी की सब्जी पसंद नहीं, उसका माइंड मेकअप है, दो बार चिल्लाओगे आप, अरे क्या भिंडी की सब्जी बना दी, वो सुन के छोड़ देंगे। और वहां पर आपने बोला, अरे आज भी भिंडी की सब्जी बनेगी, मजा आ गया भाई, खाना तो भिंडी की सब्जी है आपको, तो दुख दुखी होके खाओ या खुश होके खाओ, तो पत्नी को ज्यादा असर होगा इस बात का। अरे यार कुछ बोल नहीं रहा, ये तो कुछ बोल नहीं, सोची तो चिल्लाएंगे, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर है वो, मैं दो जवाब देखिए नहीं सब्जी भी नहीं, क्या करूं, आला सब्जी ला ही नहीं रहा। और यहां पर आपने ऐसा किया तो वो सोचेंगे नहीं यार। तो आपकी एक एक्शन से दूसरा रिलेशन भी आपका ठीक हो गया। बच्चा लेट आ रहा घर पे, चिल्लाओगे आप, बच्चा होता ही आ रहा है, बच्चे इस पर चिल्लाएंगे पापा क्या करेंगे, हाँ ठीक है चलेगा, अभी नहीं आ रहा, पकड़ी मारते नहीं बोला, कुछ छोड़ तो सकता नहीं आप, गुस्सा करके करोगे अपने खून जलाओगे। अच्छा बेटा आज भी लेट आइए, कोई बात नहीं, कल का ध्यान रखना, ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर टाइम पे आएंगे। अगर हम लोग डांट कर करे झिझड़ू बना रहे तो आदत हो जाएगी, वैसे क्या आएगा, पिताजी चिल्लाएंगे डांटेंगे जो बस यहां लगे कोई चीज को, वो काम करे। हमारा पहला काम पैसे संभालना भी साथ में, हमारे शरीर को संभालना ये पास में, और रिश्तों को संभालना भी है। कोई रिश्ता कोई उम्मीद लेकर आपके पास आए तो उसको निराश मत भेजना, अगर आप उसके लिए कुछ कर सकते हो जरूर करना, वो क्या मानो भगवान उसके लिए आपको भगवान बना के भेजा है। आदमी होता है ना, मेरे पास आ पहले, दूसरों के पास क्यों जाता है ना, तो वो उसी प्रकार वो भगवान आपके रिश्ते को आपके पास भेज रहा है वो मदद के लिए। उसके अंदर फिर आप अगर आप कर सकते हो तो करना, ऐसा कंपल्सरी नहीं कि पता लगे अपने को तकलीफ में डाल के कोई काम नहीं करना, ऐसा हवन नहीं करना जिसमें अपना हाथ जले। तो आपके रिश्तों को लेकर चलोगे तो माय गॉड जो बोलोगे वो होगा आगे। मेरा हमारा रिश्ते आपके अपने सब, कोई को किसी की आपके दो पैसे की जरूरत नहीं, किसी दो बड़ी नीडेड नहीं। हर व्यक्ति वो यही सोचा कि मेरे पास नहीं आ जाए, उन्हें थोड़ा बहुत कभी कदार होता है वंस इन अ ब्लू मून, कुछ कुछ इंटेंशनली आके पैसा ले लेते हैं, जमा लेते हैं, प्रॉपर्टी झगड़े झगड़े चलता है, तो लाइफ है, ये लिखा ही आपका सिक्स हाउस बैकग्राउंड। तो कीप टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपनी मुस्कान का ध्यान रखें। और आज मैंने प्रोसेस कराई, अभी मैं ये
29 को एक कोर्स डिक्लेयर करूंगा, तो उसके अंदर फिर मैं प्रयास ये रहेगा कि आप सब लोग भी अगर ज्वाइन कर लेंगे मेरे को, तो एक बार वापस से हम डिवाइन एस्ट्रो प्रोसेस को रिवाइज करेंगे। हाँ बोल बेटा। प्रणाम गुरु जी। भारती जी वो लिंक जो आपने बोला है हमारे ग्रुप में डाल दीजिए, डीएच परिवार ग्रुप में। बोलो रागिनी, कौन पूछा था? डॉली, यस अनम्यूट करो डॉली अपने आप को, आप पूछे थे कुछ। हाँ गुरु जी, वो एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करी थी, तो आप बोल रहे थे कि फूफा के बारे में कुछ बोल रहे थे कि वो बेटा मेरी आपको रिकॉर्डिंग अपडेट होगी उसमें आप देख लेंगे, है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। यस ही आई इतना इसको इसने करता, हर बार प्रश्न पूछती है, अच्छी बात। वो प्रश्न भी ऐसा पूछे कभी लाइफ में जो प्रश्न होते वो। हाँ बोल बेटा। गुरु जी जैसे आपका सेशन अगर मिस हुआ तो रिकॉर्डिंग कैसे देख सकते हैं? मेरा यूट्यूब कौन बताएगा? मेरा भारती जी आप बता दो, आप बताओ भाई को, आप बता दो। I will explain her। आप गुरुजी कृष्णा मेरा यूट्यूब चैनल है बेटा, है कृष्णा गुरुजी के नाम से, उसमें हर सेशन में अपडेट रखता हूँ, तो उसमें पुराने भी क्रियास वो भी आप देख सकते हो। अभी आज का सेशन छूट गया आपका, अगर फॉर एग्जाम्पल आप कल कर सकते हो वो वॉच कर सकते हो, हर रिकॉर्डिंग अपडेट करता हूँ। दो क्वेश्चन और ये ऐसे जो आप हाथ रखवाते हैं वो क्यों रखवाते हैं पानी पीने के पहले? एक बात बताओ, आपके घर में अगर आपका बच्चा आएगा है ना परीक्षा, तो आप क्या करोगे? सर पर हाथ रखोगे ना, आशीर्वाद देते ना, तो ये चीज पानी कहां में जा रहा है? आपकी बॉडी में जा रहा है ना। तो ये शरीर को आप हाथ रखते हो, तो जो भी आप इस आराधना का साराधना का वो अंश है, शरीर में 70% पानी, वो हमारा पानी कवर करने से हमारा जो भी तप है जप है जो करा है इसकी जो भी मिलना है वो सब उस पानी में जाता है, और फिर ड्रिंक करते हैं आप पानी तो शरीर में फैलता है। एक और क्वेश्चन गुरु जी, रिश्तेदार जब भी घर आते हैं, आप बोल रहे हैं जो भी आते हैं उनको जो आप कर सकते हो करो, लेकिन अगर पुरानी कड़वाहट है किसी रिश्ते में तो आप नहीं चाहते हैं कि वो घर आए या मिले, या यू कैंट स्टैंड, आप उनसे उनको देखना ही नहीं चाहते हैं, तो उसमें वैसा अगर होता है दो चीजें होती है। अभी बहुत अच्छा बोला इन्हें, सुनना आप, रुकना जाना मत है ना, छोड़ना मत, 5 मिनट कर। पहली चीज तो ये फैसला करें कड़वाहट किसके मन में, अपन उनको देखना नहीं चाहते या वो अपने को देखना नहीं चाहते, नंबर वन। मैं दोनों इकट्ठे दूंगा, अगर अपने को ऐसा लग रहा है कि अपन उसको देखना नहीं चाहते तो वो कौन? वही शरीर है 5 तत्व का, कोई ना कोई आपका ईगो का मैटर होगा, कोई पैसे का मैटर होगा, उसने किस परिस्थिति में क्या करा उसको बांध के अभी तक बैठे। तो पहली चीज आपको मुक्त होना उससे, आपको रिलेशन रिपेयर करने में आपको वो स्ट्रेस टेंशन उसको देखकर आपको, आपने बोला कि उसको देखकर आप तनाव आओगे, तो थर्ड पर्सन जो सालों होगा जिसके साथ घटना हुए या अभी कुछ हुआ और वो उसको वापस देख लो सामने, तो आप तनाव में आओगे। तो आप सभी को मुझसे, हमने जिंदगी को कुछ इस तरह आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को मार, इन्होंने उतनी पीड़ा तो नहीं दी होगी जितनी जीजस को दी थी, हाथ में कील ठोक दी, पैर में कील ठोक दी, बोले भगवान माफ करो। वो रिश्तेदार है, वो तो अपना रोल प्ले करना है। अगर एक अजब फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी मौसी से परेशान है, एक के लिए मौसी वरदान बनी हुई, एक की मौसी वरदान बनी है और एक की मौसी तकलीफ दे रही, एक का बड़ा भाई उसके परिवार को संवार, एक का बड़ा भाई दुश्मन बना बैठा, तो ये तो आपके कर्म की चक्कर है, इसमें तकलीफ तो जल्द आया तो, लेकिन अपन इसमें कितनी सरलता से निकल सकते हैं अभी विवेक से, अपने आप को मैं कह रहा हूं किसी को माफ करो उसके लिए नहीं, उसको तो कोई जरूरत नहीं आपकी माफी की, किसी को आप क्षमा करो को उसके लिए, अपने को कि कभी वो व्यक्ति अपने को दिखे अपन क्षमा कर दो, और वो नहीं करेगा फिर उसके बाद वो नहीं करेगा, ये सेकंड छोड़ो, इसे सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट यू टीक। फिर मेरे सामने कोई भी आएगा, मैं मेरा 5 तत्व का शरीर जो अस्थाई है कुछ दिनों के लिए आया, मैं तनाव में नहीं होंगी, क्योंकि मैं तनाव में होंगी, मैं परेशानी में होंगी, गुस्से में होंगी, तो मैं परेशान होंगी, मतलब किसी और की गलती की सजा अपने आप को देना ये कहलाता है तनाव, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा। लेकिन गुरु जी कभी कभी ऐसा भी होता है, आप परिवार में हैं, आपके पति को कोई रिश्ता नहीं पसंद है और वो नहीं चाहते हैं कि वो घर आए,
तो आप उस स्थिति में फर्स्ट यू फॉलो योर हस्बैंड एडवाइस, पहला फिर रिश्ते कैसे ठीक होंगे गुरुजी। बात सुनो, ये हर घर में नहीं होता बेटा, हर घर में नहीं होता। अपन भी ट्राई कन्विंस करने की सोचो कि अपन मरे भी ठीक है, कोई बिना पर अपने को अपने घर में नहीं आने, अपन भी उनके घर नहीं जाएंगे, लेकिन कम से कम आपस में बातचीत तो रहे ना, ये तो लेवल करें। okay. एक दूसरे को देखकर घर में मत आ दो, एक दूसरे को देखकर क्रोध है फोन ही लगा दे उनको, हाँ बात यार मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता आपका, ना वो ठीक है बात कैसे हो क्या, पता लग जाएगा उनको भी पता है कि आपके हस्बैंड, आप तो मुक्त हो ना, आपका हस्बैंड और आप कहने को है, लेकिन अलग अलग यात्रा है आपकी, आपके हस्बैंड की अलग यात्रा है और आपकी अलग यात्रा है, ये आप केवल एक किचन में चाबियां अलग अलग इनके बिना, आपको उनको कोई सहयोग देना या उनको सुख देना या उनको दुख देना, दोनों वाइस वर्सा, कोई पति के कारण दुखी है कोई पत्नी के कारण दुखी है, किसी का तलाक हो गया किसी का होने इसका, किसी लोग शादी के लिए बंधन मांग रहे हैं और कोई मेरा तलाक हो जाए इसके लिए मन्नत मांग रहे हैं, एक ही विजिलेशन है, अलग अलग तरीके से उसकी दृष्टि है लोगों की, एक की शादी नहीं हो पा रही उसके लिए प्रार्थना कर रही, एक की शादी हो गई तलाक नहीं हो रही उसके लिए प्रार्थना कर रही, तो रिलेशन आपको मुक्त रहना, अपने को अपने को ये जो समस्या चल रही है टेम्परेरी सब, अस्थाई सब, एवरीथिंग इज टेम्परेरी बिकॉज यू आर ऑलरेडी टेम्परेरी, उस वक्त ये जो परीक्षा आनी है, जो रिश्तों की कड़वाहट आई है आपके जीवन में, ये कड़वाहट किसी कारणवश आई है, आपने भी उस चीज का उसको एहसास कभी कराया होगा, वही कड़वाहट का महसूस आप कर रहे हो ये मान के चलो। अगर मैंने कभी रागनी का दूल दिखाया और रागनी ने कभी मेरी बातों से पीड़ा हुई रागनी को, तो मेरे को पक्का विश्वास है कि रागनी ने भी कभी ना कभी मुझको ऐसी पीड़ा दी होगी जो वही की वही पीड़ा वो भी सेख रही है। डेबिट क्रेडिट, अगर मैंने पिछले जन्म में 2000 रुपए रागिनी से ले लिए तो मुझे इस जन्म में देना है बस। अगर कंचन को मैंने बोल दिया, कंचन जब मैंने कुछ वो कर दिया, कंचन के कोई भी एक एक शब्द आपका कीमती, जो बोलो ना शब्द ये सोच के बोलो किसी के दिल पे क्या पहुंच रही है, वह पीड़ा किस जन्म में निकलेगी आपको नहीं मालूम, एक कोई भी बुरा कार्य किस रूप में पलटेगा आपको नहीं मालूम, कब होगा वो भी नहीं मालूम, ये केवल उसको मालूम है जो आपके सांस चला रहा है, हमको तो ये मालूम है कि हर परिस्थिति में हमको अपने विवेक का देख यूज करते हुए, अपने अवेयरनेस को यूज करते हुए, कोई ब्लाइंड फेथ नहीं करते हुए हमको उसमें से निकलना है। एक बात बताओ, आपकी ट्रेन निकलेगी, ट्रेन अंधेरे में टनल में आ गई, अंधेरा नहीं मिल रहा तो आप चिल्लाओ क्या, टनल में से नहीं जाए, जाना ही पड़ेगा, तो थिंक लाइक दिस, व्हेन द रॉन्ग टाइम कम यू हैव टू पास इट, यू व्हाट इज, अच्छी तरह से देख ले तब प्रार्थना कर, साधना करते हैं तब करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। अपने आप को निष्क्रिय भी नहीं करना कि रिलेशन नहीं हो रहा छोड़ दो, अपन उसको रिपेयर करने की कोशिश करते रहना, वो भी आपके पॉइंट होंगे। क्या मालूम उसको आप जो रिलेशन है, फॉर एग्जाम्पल आप मेरी रिलेशन है, आप मेरी बड़ी बहन है, फॉर एग्जाम्पल देखना कितने नॉलेज निकलेगा, आप बड़ी बहन में, अब मेरा बड़ी बहन से कनेक्टेड है मेरा 11वां कमरा, मेरे कम काम रुके पड़े, मेरी इच्छा अधूरी हो रही है, क्यों, क्योंकि मेरी बड़ी बहन नाराज है। अब भगवान को भी करना है कुछ ना कुछ, तो रिलेशन के थ्रू ऐसा करेगा सॉफ्टवेयर में, अगर बड़ी बहन बहुत खुश हो रही है आपको आशीर्वाद दे रही है तो आपके काम होते रहेंगे, तो कोई पीड़ा देने का काम इसको मैं आपको फेथ करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा इस चीज को, क्यों, क्योंकि क्लियर कनेक्टेड इंटरलॉक्ड है, इंटरलॉक चीज होती ना वो है, बस खुश रहो सुखी रहो समृद्ध रहो, वही हमने जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली किसी को माफ कर दिया, मस्त रहो, कोई ऐसा तनाव वाली बात है तो उसके लिए मेरा नंबर 9826070286 मैं तैयार हूँ आपको, बस एक शर्त है चेहरे पर मुस्कान। थैंक यू गुरुजी, ठीक है बेटा, खुश रहो सुखी रहो समृद्ध रहो, थैंक यू, ब्लेसिंग्स कंचन, ब्लेसिंग एवरीबॉडी, ब्लेसिंग्स, है ना, वी कम लेट टुडे, है ना, ब्लेसिंग्स।